जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। होली से दसवें दिन दशा माता का पूजन किया जाता है। दशा माता का पूजन घर की दशा बदलने के लिए, अर्थात कोई भी परेशानी हो इन चीज़ों से बचने के लिए दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है। तो इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं दशा माता की कहानियाँ। रोज़ आप 10 दिनों तक अलग अलग कहानी सुनी जाती है, बोली जाती है। व्रत और कथा करने का अलग ही महत्व होता है। व्रत के साथ साथ कहानी भी हमें सुननी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दशा माता की पहले दिन की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। तो सुनते हैं पहले दिन की कथा दशा माता की। एक राजा था, उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के महल में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का दिया हुआ ही था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में बैठ आया सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना ही है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता हुई। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार की तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ का राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर ही पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है, वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे
राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती, जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनी को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि से सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। तो यह थी दशा माता के व्रत की प्रथम दिन की कहानी। रोज अगर 10 दिनों तक इसकी कहानी अलग अलग सुनी जाती है, बोली जाती है, जिससे व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप भी इन कहानियों को रोज, जब भी आप 10 दिन का व्रत यदि करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो दशा माता का एक दिन के व्रत में भी सारी कहानियाँ सुन सकते हैं। सारी कहानियाँ एक एक करके चैनल पर रोज अपलोड होंगी, तो आप देख सकते हैं, इनकी प्लेलिस्ट में लिस्ट भी बनी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जो भी मैं व्रत पूजा पाठ पूजन विधि आदि से रिलेटेड वीडियो डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।